आज दिनांक 10 जून को जिलाधिकारी महोदय मनीष बंसल, पुलिस अधीक्षक महोदय चकेश मिश्र ने संभल नगर में ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखते हुए भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जनपद संभल में संभल के अनेक जगहों पर जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न हुई। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में लगातार निगरानी बनाई जा रही है। भारी पुलिस बल अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट पर रहेगा। अगर जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा माहौल खराब किया गया या कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाहर से आई फोर्स जनपद में निगरानी बनाए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस फोर्स को निर्देश दिया है कि नगर में अलर्ट रहे। माहौल खराब करने वाले व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए रखे है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल, उप जिलाधिकारी संभल, क्षेत्राधिकारी संभल, संबंधित थाना अध्यक्ष सहित भारी पुलिस बल के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित। नमाज हुई है, क्या कहना है? जनपद संभल में अनेकों स्थान पर जहाँ जहाँ जुमे की नमाज ट्रेडिशनली होती है, आज वहाँ सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस के द्वारा सभी जगह पर लगातार निगरानी बनाई रखी गई है। हमारी फोर्स टोटल अलर्ट के मोड में है और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग आज शाम तक, उसके बाद अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट पर रहने का हम लोगों ने प्लान किया है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हमारे पास जो फोर्स बाहर से आया हुआ है उसके साथ लगातार निगरानी बनाई जा रही है, रूट मार्च किया जा रहा है और जो भी ड्रोन वगैरह की तरीके से उसकी निगरानी की जा रही है। सर, धर्मगुरुओं ने आह्वान किया था कि बाजार खोला, मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी दुकानों की बंद देखी गई हैं आज। इसमें जो हमारे यहाँ के जो मुख्य मुख्य धर्मगुरु हैं उन सभी ने आह्वान किया था, काफ़ी दुकानें खुली हैं, कुछ लोगों ने दुकानें अपनी बंद की हैं, लेकिन किसी भी जगह से कोई इस प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई कि किसी की दुकान जबरदस्ती बंद कराई गई हो अथवा कोई इस तरह की बात। आज जनपद संभल में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। पूरे जनपद के सभी वासियों से ये अपील है कि इसी प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करें। पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। किसी भी प्रकार का कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन या कोई भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्तियों का सम्मेलन या मीटिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति यदि धारा 144 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT Live TV। नमस्कार।